जय श्री राम, जय श्री राम। चलो अयोध्या धाम। और भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है और भी सौभाग्यशाली बात है कि हमको अपने सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ये वीडियो इंडिया के अलीगढ़ का बताया जा रहा है कि यहाँ पर दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। मतलब एक मस्जिद के ऊपर कई लोगों ने जय श्री राम लिखा है, मतलब सर्प संदो द्वारा ये लिखा गया है, ऐसा अपडेट किया गया है। पुलिस मौके पर आकर धार्मिक नारों को रंग पुतवा कर मिटवाया है और आपसी समझौते के बाद में शांति बहाल किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि इस तरह का काम किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नफरत पैदा होती है। और आपकी इस पर क्या राय है? दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ईरानी ड्रोन विमान ने एक इजरायली विमान को निशाना बनाया है। इजरायली मीडिया द्वारा अपडेट किए गए कहा गया कि इस विमान को निशाना बनाने वाला बमबर्धक ड्रोन ईरान ने लॉन्च किया है। जहाज इजरायली व्यापारी का था जिसमें रसायन लदे थे, लाइबेरिया का झंडा भी लगा था। हम आपको बता दें कि कई जगहों में हाउथिस ने पूरी तरह से हमला किया है। इसके साथ एक विमान भारत के समुद्र के समीप था, मतलब गुजरात राज्य के पास था, वहां पर भी ड्रोन द्वारा हमला किया गया है। इसके पहले भी 20 बार हाउथिस ने यमन की सीमाओं से इसराइल से जुड़े जहाजों पर हमला किया है। दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर ये बताया जा रहा है कि अमेरिका अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हाउथिस के खिलाफ हमले से अमेरिका नौसेना के जहाजों के खिलाफ अंसरुल्ला की प्रतिक्रिया भड़क सकती है, इसलिए सऊदी अरब यमनियों के बीच संघर्ष विराम को नुकसान हो सकता है। मतलब यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। और यहाँ पर एक और अपडेट किया गया है, कहा गया है कि अमेरिका होते विद्रोहियों पर हमला करने से पीछे हट रहे हैं। दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं। अपडेट के अनुसार कहा गया कि आतंकवादियों ने गेट मुल्ला सीधी बारामूला में एक रीटा पुलिसकर्मी को गोली मार दी। मस्जिद में अजान पढ़ते वक्त मोहम्मद सफी पर भी गोलीबारी की गई है। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। नियम के अनुसार एक सप्ताह के अंदर बताया गया है कि 16,899 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कई लोग रेजिडेंसी लेबर लॉ बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन नियम का उल्लंघन कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक बताई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो आपको भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो नियम के खिलाफ है, वरना आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा।